हेलो नमस्कार दोस्तों, पूजा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं हरीश, आज के वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के बारे में ही। जैसे हमने एजुकेशन सेक्शन के टोटल वीडियो बना दिए हैं, तो अब फाइनेंस पे चलते हैं। फाइनेंस पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे देखिए फास्टैग के बारे में हमने वीडियो बना रखे हैं और बैंकिंग के बारे में भी बना रखे हैं कि कैसे आप बैंक मित्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पेंशन, पेंशन के लिए आपको बताएंगे नेशनल पेंशन स्कीम। आज के वीडियो में आपको बताएंगे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, ये क्या है नेशनल पेंशन स्कीम, क्या है, कब से, मतलब ये किन लोगों के लिए ये अप्लाई करने के लिए है, पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए एक्चुअली ये 18 ईयर से लेके 60 ईयर तक के लिए बंदों के लिए है। इसमें आपको पेंशन मिलेगी। आप अगर 18 साल के बंदे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जितना आप पर मंथ इसमें डिपॉजिट करेंगे उसी हिसाब से आपका इसमें पेंशन मिलेगा और इसमें पैसे जमा होते हैं। तो देख लेते हैं, पहले इसके हम पेंशन कैलकुलेटर पे क्लिक करके पेंशन का कैलकुलेट कर लेते हैं। पेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करना है जिनका पेंशन करना है। जो जॉब कर रहे हो या बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, कोई भी इसमें आप कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई वो नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले ही कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर हो, अपना सेल्फ बिजनेस हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी इसको कर सकते हैं, एनीबॉडी। तो यहाँ पे जैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो आपको ऑप्शंस मिल रहा है, आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट पर मंथ, मतलब आप पर मंथ कितने पैसे जमा करना चाहते हैं। आप यहाँ पे 500 भी जमा करना चाहते हैं तो 500 यहाँ पे लिखिएगा। देखिए यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखा दिया। देखिए यहाँ पे 34 ईयर आपका अभी करंट हो रहा है और ये 60 साल तक आपको वो भरना है। तो देखिए आप 500 रुपये पर मंथ भरना चाहते हैं, यहाँ पे आ गया माय टोटल ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। आप 26 साल तक इसमें पैसे जमा करेंगे 500 रुपये पर मंथ, यहाँ पे दिखा दिया 26 ईयर तक आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए माय एक्सेप्शन ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका जो मतलब पैसे जो डिपॉजिट हो रहा है उसका रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट आपका मिलेगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10% रहता है, ये कम बेसी हो सकता है, बेसी तो नहीं होता है, मतलब कम ही होगा इसका आपका एक्सेप्शन ऑफ रिटर्न, जो वैल्यू मिलेगा आपका अमाउंट वो कम ही हो जाता है, 7% 4% इस टाइप से आपका मिलता है। इसको आप बढ़ा घटा भी सकते हो, देखते हो यहाँ से करते हैं तो बढ़ता है, मगर ये बाय डिफॉल्ट 10 के नीचे ही आपका वो मिलेगा। आई वुड लाइक टू परचेज एन्यूटी, कितना परसेंट आपका एन्यूटी वो परचेज करना चाहते हैं, आपसे इसको घटा बढ़ा सकते हैं तो आपका यहाँ से ग्राफ वो चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से आई एम एक्सेप्टिंग एन एन्यूटी रेट, कितना परसेंट आप एन्यूटी रेट इसका मिलेगा, तो 6% बाय डिफॉल्ट रहता है। अब इसके बारे में देखिए, ऊपर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका अगर 500 रुपये पर मंथ आप जमा करते हैं तो आपको टोटल जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15,06,000, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टोटल कॉर्पस जो जमा होगा 74,05,328 टोटल कॉर्पस हुआ। और देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल कॉर्पस हो गया, योर पेंशन कॉर्पस एट रिटायरमेंट जब आपका 26 ईयर तक जमा कर देते हैं तो उस समय आपका लंप सम वैल्यू आपको मिलेगा, टोटल मिलेगा 4,32,290 रुपये आपको मिलेंगे। यहाँ पे एन्यूटी वैल्यू टोटल है, ये नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा। और देखिए योर एक्सेप्टेड मंथली पेंशन, जब आपका 60 साल ईयर पूरा हो जाएगा, 60 साल तक पेमेंट जमा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 60 साल के बाद आपको 1,565 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे जब तक आप जिंदे रहते हैं। तो ये हुआ इसका टोटल कैलकुलेट, आप कर सकते हैं किसके किसी भी एज का। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे आप इसको कंट्रीब्यूशन को घटा बढ़ा सकते हैं। सपोज दैट 1,000 करते हैं तो देखिए यहाँ पे चेंज हो जाता है ग्राफ। देखिए यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 3,12,000, उसी तरह से टोटल कॉर्पस हो जाता है 14,90,656 रुपया। और यहाँ पे देखिए आपका लंप सम वैल्यू मिलेगा 8,64,000 और एन्यूटी वैल्यू होगी 62,00,000
6 लाख हो गया, 6,26,076 रुपये, और एक्सेप्टेड मंथली पेंशन आपको मिलेगा 3130 रुपये। तो जिस हिसाब से आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ से आप अमाउंट डालने के बाद, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नेशनल पेंशन स्कीम के वो कैलकुलेट करते हैं, इसका पूरा स्टेटस यहाँ पे कैलकुलेटर में हम देखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।